इस वक्त हम मौजूद हैं जितार नगर परवाना रोड पर, जहां पर हमारे साथ एक सर बैठे हैं और उनसे पूछेंगे कि इस बार वो किसको वोट देंगे। सर आपका नाम? नरसिंह यादव। कहां से? यूपी आजमगढ़। यहां क्या कर रहे हो? प्लम्बर का काम। अच्छा, प्लम्बर का। सर विधानसभा चुनाव है 2020 में, तो आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? हैं, अच्छा काम करते हैं। कितने हद तक अच्छा काम किया? जो किया अच्छा किया, पानी फ्री, बिजली फ्री। अच्छा। कई कामों बढ़िया किए। अच्छा। और महिलाओं के लिए कितने हद तक काम किया? महिलाओं के लिए नहीं पता, महिलाओं के लिए नहीं पता। अच्छा, तो ये बताओ बीजेपी सरकार ने कितना काम किया? बीजेपी सरकार क्या काम है? सारे बंद करवा के रख दिया। अच्छा। केजरीवाल। इस बार केजरीवाल। हाँ, इस बार केजरीवाल। अनिल, कहाँ से हो? दिल्ली से। अच्छा, क्या कर रहे हो? यहाँ सर शॉप है हमारी। अच्छा, यहाँ शॉप है। तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अरे इतने सारे काम कर दिए देश के बारे में, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया बताइए? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं, कुछ नहीं काम किया। सर बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है। चलिए और आगे अधिक जानकारियां लेते हैं जनता से कि वो इस बार किसको वोट देना चाहती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक मैम, चलिए इनसे पूछते हैं कि इस बार वो किसको वोट देना चाहती हैं। मैम आपका नाम? ईशा। मैम आप कहाँ से? मैं यहाँ से दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो। मैम 2020 में विधानसभा चुनाव है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल की। केजरीवाल की क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम करवा रखे हैं और पानी के बिल भी। अच्छा। जो है काफ़ी चीज़ों में मदद कर रखी है। अच्छा। और बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ने बस ये है कि नोटबंदी जो करवाई है वो बहुत गलत की है, नोटबंदी करवा के। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो महिला सुरक्षा के लिए केजरीवाल ने कदम उठाया वो अच्छे हैं किस हद तक? अच्छे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। फ़ायदा ही नहीं हो रहा बीजेपी ने? नहीं, मैं तो केजरीवाल की बात, वो जो मतलब ये है कि उसके कदम का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि केस तो फिर भी सुनने को मिल रहे हैं आए दिन। तो मैम का कहना है कि केस तो फिर भी सुनने को मिल रहे हैं और महिला सुरक्षा के लिए थोड़ा हद तक अच्छा काम किया और थोड़ा नहीं। और वैसे केजरीवाल ने बिल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये सब फ्री किए हैं, उनसे इन लोगों को बहुत फ़ायदा। चलिए और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं लोगों से और पूछते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मैम, हम उनसे पूछते हैं कि इस बार वो किसको वोट देना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? रामश्री। मैम कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे पीयर मेरा अलीगढ़ की सेट है। अच्छा। मैम इस बार 2020 में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, और उसमें बीजेपी और केजरीवाल, वो केजरीवाल सरकार में बहुत ज़्यादा टक्कर चल रही है, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम ना केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? क्योंकि देखो पानी फ्री है, बिजली का भी है, और हम लोगों के बारे में, छोटे लोगों के बारे में सोचते हैं वो लोग। अच्छा। और बीजेपी? बीजेपी तो अपने में मस्त है, वो बड़े लोगों को ही देखती है। अच्छा। जो आम इंसान है उनको नहीं देखती। अच्छा। मतलब बीजेपी छोटे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती? नहीं नहीं जी। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कितने हद तक काम किया ये? बहुत अच्छा किया है। देखो अब बुजुर्गों के लिए वो कार्ड भेजे। अच्छा। कि भाई अगर तीर्थ पर जाना चाहो तो आप जा सकते हो इसलिए। और वैसे भी वो तो हर तक अच्छा कर रहे हैं मगर उन्हें करने नहीं दे रही पब्लिक। ये बस इतना ही। तो मैम कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक काम किया, उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये थी जनता की राय। जनता कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी सरकार और कुछ चाहते हैं केजरीवाल सरकार। तो अब देखना यह है होगा कि क्या 2020 में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं आंचल सिंह, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।